तेरे काम ऐसे ही झगड़ा वगड़ा नहीं करना कहीं, काम ऐसे ही था ठेकेदारी का, ठीक है ना? ठीक है। और हाँ सुन, वहाँ पे होटल वोटल में कमरा लेने की जरूरत नहीं है, जिस गांव में तू जा रहा ना वहीं गांव में देख लियो, कोई ना कोई कमरा तुझे जरूर मिल जाएगा, ठीक है? और वहाँ पहुँच के फोन कर दियो, अपना ध्यान रखियो, ठीक है? ठीक है, तेरा काम ऐसे ही है भाई। और अच्छा भाई, अपना ध्यान रख, पुलिस की तैयारी चल रही है, समझ गया भाई? मैं ध्यान से रहूंगा, आप भी ध्यान से रहना, ठीक है? चल। अरे पास वाले गांव में ठेका मिला, दारू का ठेका मिल गया के? अरे नहीं यार, खरंजों का ठेका मिला। अच्छा अच्छा, कब आना होगा फिर भाई? नू मान ले, 2 महीने तो लग ही जाएंगे। ना भाई, हमें भी कोई रोजगार दिलवा दे यार, हम भी बड़े परेशान घूम रहे। भैया काम लगते ही तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा। ठीक है भाई, बता दिए, सारे ठलवे ही हैं। चलो ठीक है। घर में कोई है? आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बोल लो क्या बात है? आंटी आपके यहाँ कमरा खाली है? कमरा तो खाली मिल जाएगा। आंटी जी, मुझे सड़क बनाने का ठेका मिला है इस गांव में, इसलिए आया हूँ मैं। किसी ने बताया था कि कमरा किराए पे मिल जाएगा। बेटा 1 महीने का एडवांस लगेगा और 1500 रुपए किराया लगेगा। जी आंटी जी। लीजिए आंटी जी। प्रिया बेटा। हाँ माँ। आजा बेटा। प्रिया बेटा, इसे ऊपर वाला कमरा दिखा दे जाकर। ठीक है माँ। हमारा किरायेदार बहुत अच्छा है, कब आता है कब जाता है पता ही ना चलती। हमारा किरायेदार बहुत अच्छा है। अरे चाची, हमें भी एक किरायेदार ऐसा दिवा दो, हमारा भी कमरा एक खाली पड़ा है, कोई सीधा सच्चा सा। Thank you.
बात नहीं जी, संभल के चला करो। अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो आपकी चोट लग जाती। वो मम्मी, मम्मी ने आपके लिए चाय भिजवाई है, पी ले, कप नीचे भिजवा देना। जी। लीजिए आंटी जी, वो कब? बेटा कोई बात ना, बाद में आ जाता। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, अब भी देना था और बाद में भी। बैठो बेटा, चाय पी के जाना। अरे आंटी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, कोई बात नहीं फिर कभी पी लूंगा। फिर एक कप चाय ले आइयो। अच्छा आंटी जी, चल रहा हूँ मैं। बैठ जा बेटा, चाय लेकर आ रही है, पी के जाइयो। अरे आंटी ऐसी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में पी लूंगा। अच्छा जी। बेटा वो तो चले गए, उन्हें जल्दबाजी का कोई काम है। ला मैं पी लेती हूँ। आओ अंदर आओ। अरे संभल के चला करो, हर वक्त गिरते रहते हो। कोई नहीं, अब नहीं गिरूंगी। मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ। किस लिए? उस दिन बिगर पूछे आपसे मैंने डायरी पढ़ ली थी, वैसे लिखते बहुत अच्छा हो। लिख लेता हूँ कभी कभी ऐसे ही। वो मैं मम्मी के साथ मार्केट जाने वाली थी। अरे वो प्रसाद, सॉरी सॉरी वो मैं भूल गई। सॉरी बहुत बोलती हो तुम। वैसे लिखते बहुत अच्छा हो। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं राहुल से बात करूंगी, वो पढ़ा देगा तुझे, तेरे पेपर की तैयारी वो करवा देगा। बेटा इधर सुनियो। जी आंटी जी। मम्मी रहने दो ना। आजा बेटा। मम्मी रहने दो ना। तो चुप रह। क्या हो गया, किराया बढ़ाना है क्या? नहीं बेटा, लड़की की टीचर की तबीयत खराब है, इसीलिए बोल रही हूँ कि तू पढ़ा लिखा है, इसे थोड़ा सा पढ़ा देता। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं पढ़ा दूंगा। वैसे किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है? वो मैथ में प्रॉब्लम है। कोई बात ना बेटा, तुम दोनों बैठ के बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। पढ़ाई नहीं की क्या? Thank you.
कुछ काम था। वो तुम्हारा मैथ का पेपर कैसे गया? अच्छा गया। बैठो बैठो। वो कल मेरा बायोलॉजी का पेपर है, उसी के चैप्टर में पूछना था। बताओ। आज कोई नई कविता लिख रहे हो? अरे नहीं, अभी तो पहले ही पूरी नहीं हुई, पर वैलेंटाइन डे तक पूरी कर दूंगा। अच्छा, तो किसी को सुनाना है? हाँ, सोचा तो यही है, पर जब भी लिखने बैठता हूँ कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। क्या वो बहुत ही सुंदर है? हाँ, मेरी कल्पना से भी सुंदर। खैर छोड़ो, वैलेंटाइन डे के तो बहुत दिन है। कौन सा चैप्टर था बताओ? कोई नहीं, आप अपनी कविताएं पूरी करो। अरे प्रिया, आज तो तुम्हारा पेपर था, पेपर देने नहीं गई? वो मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास भी गई थी। सारी दुकानें और मेडिकल भी बंद है, मैं क्या करूं? अच्छा तुम एक काम करो, एग्जाम देने जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी का ख्याल रखता हूँ। ठीक है। अरे अभी सो रही है, खाना वाना खिला के अभी दवाई दी है, अभी 5 मिनट पहले ही सोई है, इन्हें डिस्टर्ब मत करो। आज आप किसी से मिलने जाने वाले थे ना? पर सॉरी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने के मेरे साथ नहीं जा। आप क्या समझते हो वैलेंटाइन डे वाले दिन किसी के साथ मौज मस्ती करना? ये वैलेंटाइन डे नहीं, आप जिससे प्यार करते हैं उसकी भावनाओं को समझो, उसकी कदर करना। आप जिससे प्यार करते हो उसकी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर देना, ये वैलेंटाइन डे है। और सच बताऊं, ये फूल आप ही के लिए है, क्या आप मेरी वैलेंटाइन बनोगी? एक सच बात बताऊं, जब से तुम्हें देखा है मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। आपको पता है, आपके साथ बातें करना, आपके साथ पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज आपने ये फूल देके मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी। I love you. I love you too.